हरदा के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट ने प्रदेश के साथ साथ देश को भी हिला दिया था और धमाके की वजह से 13 लोगों की जान जा चुकी है, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। हरदा मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और हादसे कैसे हुआ इसकी पड़ताल अब लगातार की जा रही। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। हरदा में 6 फरवरी के दिन हुए पटाखा फैक्ट्री धमाके के बाद जिले की फिजा में बारूद की गंध फैल गई। मगरधार रोड के बैरागढ़ इलाके की फैक्ट्री में धमाका कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फैक्ट्री से 40 किलोमीटर दूर तक की धरती कांप उठी थी। एक के बाद एक हुए धमाकों के बीच बिखरी हुई लाशें, उजड़े घर, चारों तरफ बिखरा मलबा और बदहवास भागते लोग, यही हरदा हादसे का मंजर था। एक पल में आई इतनी बड़ी त्रासदी के बीच अगर किसी ने हिम्मत नहीं हारी तो वो थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक ले रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जब इस धमाके की खबर मिली तो सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल पर तत्काल राहत और बचाव का काम चलाने और घायलों के इलाज में कोई कोर कसर न छोड़ने के निर्देश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन करते ही उन्होंने परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, एडीजी और एसीएस की एक टीम को हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए तत्काल रवाना किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए आसपास के जिलों भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, हरदा से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ ही बम निरोधक दस्तों को भी तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। वहीं घायलों के इलाज के लिए आसपास के जिलों से 50 से ज्यादा एम्बुलेंस भी घटनास्थल भेजी गई। 100 से अधिक बर्न किट को भेजने के साथ ही मेडिकल कॉलेज भोपाल और इंदौर से भी डॉक्टर्स की टीम को रवाना किया गया। इन सब के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के एम्स और हमीदिया अस्पताल, इंदौर के एमवाई अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और चोइथराम अस्पताल में मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इन सभी अस्पतालों की बर्न यूनिट के साथ ही 200 से अधिक आईसीयू और सामान्य बेड रिजर्व किए गए। घायलों को लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्देश देने के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा के लिए 2 आर्मी हेलीकॉप्टर भी इंदौर स्टेशन पर तैनात किए जिससे कि मरीजों को इलाज में मदद मिल पाए। इसके साथ ही मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए 400 पुलिस जवानों का अतिरिक्त बल हरदा भेजा गया। सीएम के दिशा निर्देश में आसपास के जिलों से 35 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके के लिए रवाना किया गया। जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। इसके बाद सीएम ने फैक्ट्री में हुए धमाके की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता जयदीप प्रसाद और सचिव लोक निर्माण विभाग आर के मेहरा की अगुवाई में 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। इस सब के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की। मृतकों के परिजनों के लिए जहां 4-4 लाख रुपए तो वहीं गंभीर घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। इसके साथ ही घायलों के लिए 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया। इसके अलावा सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ बैठक की और हर जिले में मौजूद हर पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस बीच हरदा से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीजों को भोपाल लाया गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद हमीदिया अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस सब घटनाक्रम के बीच पुलिस ने घटना के 2 आरोपियों सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ धारा 304, 308, 34 IPC व विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कराया गया। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी VC ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जो जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। विस्फोट कांड के अगले दिन 7 फरवरी को सीएम ने विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में सीएम और मंत्रणा समिति के सदस्यों ने हरदा की दुर्घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव तुरंत ही हरदा के लिए रवाना हो गए और जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनके इलाज की जानकारी ली।
और अधिकारियों को घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी न रखने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद सीएम घटनास्थल पहुंचे। यहां पर अधिकारियों प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कर उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहां आया भी हूं। हादसे में दिवंगत के परिजनों के घर पहुंचकर सीएम ने जहां अपनी शोक संवेदना व्यक्त की, तो वहीं उन्होंने घायलों को सहायता राशि का चेक भी सौंपा। इसके साथ ही सीएम ने घटना के संबंध में कारखाना निरीक्षक और सहायक संचालक बीना नवीन कुमार बरवा को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, सीएम ने हरदा के कलेक्टर और एसपी पर भी तत्काल कार्रवाई की। एसपी संजीव कुमार कंचन को पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल से अटैच किया गया, तो हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग को भोपाल में उप सचिव शासन बनाया गया। इस सब के बीच सीएम ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए 24 घंटे बर्न और प्लास्टिक सर्जन, सीनियर डॉक्टर्स और स्टाफ को मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए। वहीं गंभीर घायलों को विशेष निगरानी में रखने के निर्देश भी जारी किए गए। घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। 9 फरवरी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में हरदा दुर्घटना को लेकर राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी दी। सदन को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सांत्वना राशि दी गई, तो वहीं गंभीर घायलों को मदद के लिए 1-1 लाख रुपए दिए गए। साधारण घायलों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई, तो वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भी 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50 हजार रुपए की मदद स्वीकृत की है। सीएम ने विस्फोट में जिन परिवार के आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भी सहायता राशि देने की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि प्रभावितों को न केवल सहायता राशि दी जाएगी, बल्कि उनके आवास के निर्माण के लिए भी प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने सदन को बताया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि उसे न केवल याद रखा जाएगा, बल्कि भविष्य में ऐसी लापरवाही करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश उर्फ राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक उर्फ मन्नी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है, वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। प्रदेश में पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों की जांच जारी है। भविष्य में हरदा जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कड़े कदम उठा रही है। प्रदेश की एक एक पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण होगा, तो वहीं मानकों के खिलाफ पाए जाने वाली फैक्ट्रियों को तत्काल सील किया जाएगा। रिहायशी इलाकों में ऐसी फैक्ट्रियों का संचालन न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, मोहन सरकार पटाखा फैक्ट्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। कलेक्टर की अगुवाई में अब हर महीने पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। और अब की बार संसद में मोदी की हुंकार, विपक्ष पर जोरदार प्रहार। मैं देख रहा हूँ अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। पीएम मोदी का सफर, 24 में फिर सरकार। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। 10 साल 10